किसी ने क्या खूब कहा है, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर प्रत्येक सोमवार की तरह इस सोमवार भी रोचक जानकारियों कड़ी में लेकर के आए हैं एक ऐसे उपकरण के बारे में जो एक रोबोट की तरह काम करता है, जिसका नियंत्रण मनुष्य के हाथ में रहता है। पहले इसका उपयोग सेना द्वारा ही किया जाता था, लेकिन आज वनों की सुरक्षा से लेकर समुद्र की सीमाओं की निगरानी भी इसके जरिए संभव है। इसका उपयोग आजकल फिल्म निर्माण, खेल, मीडिया, यहाँ तक कि खेतीबाड़ी की देखभाल और शादी विवाह जैसे कार्यक्रम में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। जी हाँ, समझ ही गए होंगे कि मैं किस उपकरण की बात कर रहा हूँ। अगर नहीं समझे तो जान लीजिए ड्रोन उपकरण की बात कर रहा हूं। तो चलिए आज देखते हैं ड्रोन उपकरण का आविष्कार किसने और कब किया। ड्रोन का आविष्कार करने के पीछे कई तर्क हैं। ड्रोन का प्रयोग सबसे पहले युद्ध में किया था। 1849 में ऑस्ट्रिया ने मानव रहित एक बम फेंकने वाला उपकरण बनाया, जिसको बाद में ड्रोन का नाम दिया गया था। यह उड़ता और मानव रहित था। उस समय इसे ड्रोन नाम के शब्द से नहीं जाना जाता था, बल्कि एक यूएवीएस नाम से जाना जाता था। यह दिखने में गुब्बारे की तरह नजर आता था और साइज में काफी बड़ा था। यह सिर्फ 15 से 20 फीट की ऊंचाई तक उड़ाया जा सकता था, जिसके बाद ड्रोन बनाने के लिए अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिली। उसके बाद 1915 में महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने एक ऑटोमेटिक लड़ाकू विमान बनाया था, जो कि बिना मानव के उड़ता था। उसी आधुनिक विमान को आधुनिक ड्रोन का आधार माना गया। इसके बाद ड्रोन की खासियत को समझते हुए 1918 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यूएसए में 15,000 ड्रोन बनाकर प्रयोग किए गए थे। कुल मिलाकर पुराने समय में सिर्फ युद्ध, सेना, बॉर्डर आदि में ही ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके बाद 1987 में पहली बार ड्रोन का प्रयोग एग्रीकल्चर में भी आया गया। इस तरह का ड्रोन यमहा कंपनी द्वारा फसलों में दवा छिड़कने के लिए बनाया गया। इस दौरान यह ड्रोन सिर्फ जापान में ही उड़ रहा था, लेकिन 2015 में अमेरिका ने भी अपने देश में ड्रोन उड़ाने की परमिशन जारी कर दी। इसके बाद साल 2013 आते आते भारत में भी इसका बड़े पैमाने पर डिफेंस में प्रयोग किया जाने लगा। ड्रोन बनाने वाली कंपनियों ने जब समझा कि ड्रोन को कई तरह से काम में प्रयोग किया जा सकता है, तो नए नए तरह के ड्रोन प्रोड्यूस होने लगे और बाजारों में बिकने लगे। दोस्तों, सेना के साथ पुलिस, वन विभाग, मीडिया, समुद्र विज्ञान और फिल्म निर्माण आदि में भी ड्रोन का इस्तेमाल होने लगा। भविष्य में ड्रोन का चलन व्यापक होने वाला है। इस दिशा में नए नए प्रयोग जारी है। तो दोस्तों, इसी तरीके से नई नई रोचक जानकारियां हम प्रत्येक सोमवार को लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी और कमेंट्स कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई रोचक जानकारियों की कड़ी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।